नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। संसद का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। आम बजट, रेल बजट के अलावा कई अहम बिल इस सत्र में पेश होने हैं और कई अहम बिलों पर चर्चा करके इन बिलों को पास होना है। इस सत्र में 55 बिल एजेंडे पर हैं। इन बिलों में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, लोकपाल और लोकायुक्त बिल, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल के अलावा प्रमोशन में आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल शामिल हैं। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत कई आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए सब मिलजुल कर कोशिश करेंगे, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिन पर विपक्ष सरकार से जवाब तलब करेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि हर मसले पर वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन संसद के समय के सदुपयोग की चुनौती पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई है। इस सत्र में क्या उम्मीद की जाए? संसद के सामने बिलों का अंबार लगा है। देश के लोग सड़कों पर उतरकर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। वो हालात में तुरंत बदलाव की मांग कर रहे हैं। क्या संसद अपना कर्तव्य निभा पाएगी? चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, नजमा हिप्तुल्ला बीजेपी की वरिष्ठ सांसद हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के महासचिव और सांसद हैं, के एन बालागोपाल सीपीएम के राज्यसभा सांसद हैं। विनोद शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के सामने जो चुनौतियां मौजूद हैं सब मिलजुल कर अगर काम करें तो उन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती संसद के समय का सदुपयोग करने की रही है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहा हूं और ये जो बातचीत हो रही है कि जो कुछ वक्तव्य गृह मंत्री ने दिया है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी उत्तेजित है, गुस्से में है जी, जो अभी हाल ही के दिनों में पिछले दिनों में जो रेप का कांड हुआ जिसपे कि जनता में बड़ा आक्रोश है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है, उसके साथ साथ जो अभी एक जो हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और प्रत्यारोप लग रहे हैं कि उसमें बहुत घपला हुआ है, तो ये सब मुद्दे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ संसद शुरू होने से पहले निभाई जा सकती है उसको निभा लेना चाहिए जी। अगर गृह मंत्री कुछ कहना चाहते हैं बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो मैं समझता हूँ कि उनको कहना चाहिए। कल का संसद का सदा जो सत्र है उसको शुरू होने से पहले ही कहते जी, क्योंकि ये जो वक्तव्य उनका ये संसद के बाहर था तो उसका एक्सप्लेनेशन भी संसद के बाहर ही हो सकता, बाहर भी हो सकता है जी। और उसी तरह से मैं समझता हूँ कि एक ऐसा क्लाइमेट सरकार को बनाना, ये दायित्व तो सरकार का है कि ऐसा क्लाइमेट बने जिसके चलते जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो पारित हो, क्योंकि सरकार काम करती हुई जब ही नजर आ सकती है जब पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट करेगी और उसके चलते उन्हीं बेसिस पे सरकार अपना काम करेगी। और पार्लियामेंट मैं समझता हूँ कि काम करती हुई नजर आए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को हमारी जो पार्लियामानी प्रैक्टिस हैं और जो हमारा लोकतंत्र है उस पर भी अब आजकल लोग सवाल या निशान उठाते हैं जी। और उसको दुरुस्त करने का काम तमाम राजनीतिक समाज का है, जिसमें कि रूलिंग पार्टी है, विपक्ष है, वाम दल हैं और भी जो प्रांतीय दल हैं वो भी हैं जी। तो मैं आशा करता हूं कि ये सत्र जो होगा ये प्रोडक्टिव होगा। हालांकि जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है जिनके आपने जिक्र किया उस पर कुछ मतभेद हैं, लेकिन वो मतभेद जो मैं समझता हूं डिबेट के दौरान वो उनकी अभिव्यक्ति हो सकती है और उसी के चलते अगर अमेंडमेंट सरकार मानती है तो भी की जा सकती हैं जी जी। तो आपको उम्मीद है कि संसद के इस सत्र में समय का सदुपयोग हो पाएगा। नजमा हिप्तुल्ला जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्या रणनीति होगी? विनोद शर्मा जी ने कहा जैसे कि सरकार का ये दायित्व है कि वो एक ऐसा माहौल बनाए कि जिसमें बेहतर काम हो सके संसद में, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है। देखिए, मैं विनोद शर्मा जी से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि अभी तो मैं नीचे बेंच पे बैठी हूँ मगर 17-18 साल में चेयर पे बैठी थी और मैं बहुत दुखी होती थी कि जब संसद नहीं चलती थी उसमें। आज जो सत्ता में बैठे हैं वो पहले विपक्ष में भी रह चुके हैं। मैंने पार्लियामेंट के हर जो पार्टी इस हाउस में है या लोकसभा में है, दोनों हाउसेज में, वो कभी ना कभी सत्ता में रही है, कभी ना कभी विपक्ष में रही है। तो इसलिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे हम उंगली नहीं उठा सकते। और विनोद शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो मसले बाहर कहे गए हैं, जैसे हमारे होम मिनिस्टर का बयान है, वो उसको मामले को उसी दफ़ा बाहर बोल के एक्सप्लेनेशन दे सकते थे।
संसद के का इंतज़ार उन्होंने किया। और इस तरह से अगर जो मसले के बाहर तय हो सकते हैं अगर हो जाएं, तो जो संसद की खास जिम्मेदारी होती है लेजिस्लेट करना, क्योंकि वी आर ए लेजिस्लेटिव बॉडी, तो हम अपना लेजिस्लेशन का काम पूरा कर सकते हैं और दूसरे मसले उसमें नहीं उठेंगे। मगर अफसोस की बात है कि सरकार ये ध्यान नहीं देती है। और फिर जब हाउस के अंदर अपोजिशन के लोग, चाहे मेरी पार्टी हो या कोई भी अपोजिशन की पार्टी हो जो सत्ता में नहीं है, वो सरकार के सामने सवाल खड़ा करते हैं, तो फिर कहते हैं कि संसद नहीं चलने दे रहे। और मुझे आज तक एक भी ऐसा कोई वाकया इन 31 वर्षों में जब से मैं पार्लियामेंट में हूँ, तो मैंने नहीं देखा कि किसी भी अपोजिशन ने मेजर लेजिस्लेशन को पास करने में देर की हो। चाहे रात के 12-1-2 बजे तक बैठे हैं, मगर लेजिस्लेटिव बिजनेस जितनी सरकार लेके आती है वो पूरी करिए, जो बिजनेस सरकार नहीं लाती वो बिल पड़े रहते हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, मगर क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है हाउस को बराबर चलाने की, और अपोजिशन की जिम्मेदारी रहती है या उनका दायित्व है कि वो जवाब मांगे सरकार से। जी, विपक्ष का काम है जवाब मांगना और विपक्ष वो जवाब इस सत्र में भी मांगेगा। केन बालागोपाल साहब, आपके पास आना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी लेफ्ट पार्टीज की इस सेशन में? श्याम सुंदर जी, सॉरी आई कैन नॉट स्पीक फुल्ली इन हिंदी। जी, आप बिल्कुल हिंदी इंग्लिश मिला जुला के बोले, आप चाहे तो पूरा अंग्रेजी में बोले। मैं हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा ये सेशन का अंदर आई थिंक बहुत बड़ा समस्या है लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल। नाउ वी आर फेसिंग ए वेरी सीरियस काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड अभी दो दिन का आंदोलन, सभी 11 ट्रेड यूनियन का आंदोलन चलता है। दिस इज द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री एंड बिगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 11 करोड़ पीपल आर गोइंग टू स्ट्रगल एंड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री टू 90% इट इज ऑन स्टैंड स्टिल। इसलिए आई थिंक प्राइस राइज and issues of the common people like price rise, the price of diesel, then chawal or other food articles ka price daam bahut aage badhayega, is aisa bahut jyada problem hai. So I think we will try to raise this issue first, the living condition of the people, then a lot of issues like corruption cases are there, you know, the Westland helicopter issue, some other issues, and even our Raksha Mantri is saying that I am helpless, hamara sena ka andar itna aur hamara system ka andar itna corruption hai, so I am helpless, this is a big issue. So this kind of corruption issues, government is not serious, so we have to raise that. Then some pending bills are there like Lokpal bill, then the ordinance is to be replaced, Lokpal should be passed, whistleblowers bill is to be passed, then this kind of issues are there. So we will raise the issues of price rise and common people's life issue, livelihood issues, then against corruption, then for a new kind of legislation like Lokpal and others, all these things we will raise. जी जी, बालगोपाल जी बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। चौधरी बीरेंद्र सिंह, आपने विनोद शर्मा जी को सुना और बीजेपी और वामपंथी पार्टियों के प्रतिनिधियों को सुना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की अगर सरकार चाहती है कि संसद में सुचारू रूप से काम चले, और जो बिल इतना एक अंबार लगा हुआ है और उसमें कई बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पर काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है, उनको अगर पास कराना है। देखिए, एक तो मैं ये बात मान के चलता हूँ कि 2014 के जो चुनाव होंगे उससे पहले ये आखिरी बजट सत्र होगा जिसमें पूरा बजट पेश किया जाएगा। अगर 2014 में सत्र हुआ तो वहाँ वोट ऑन अकाउंट होएगा, तो इसलिए इस बजट सत्र का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि सदन चले तो ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जो चीज़ें हम तय कर सकते हैं जी सदन के अंदर, वो हमने ये समझा कि हम बाहर अगर उसका सदन ना चले और बाहर उनका समाधान ढूंढें, जैसे भी हो समाधान हमेशा
सदन के अंदर होता है, और विपक्षी दल भी ये चाहेंगे इस बार कि क्योंकि लोगों के पास वोट मांगने जाना है, दूसरे कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन एक मुद्दा ये भी होएगा जनता के सामने कि क्या विपक्ष की भूमिका सकारात्मक रही है, क्या विपक्ष ने ऐसा प्रावधान किया है, ऐसी समस्याओं को दूर करके सदन को चलने में सदन के अध्यक्ष का साथ दिया है। तो ये बातें भी चुनावी मुद्दे होंगे तो मुझे लगता जी चौधरी बीरेंद्र सिंह, माफ़ कीजिए, आपको टोक रहा हूँ। विनोद शर्मा जी ने एक मशवरा दिया है सरकार को, वो ये है कि कुछ जो ऐसे मुद्दे, मसलन जो होम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी एजिटेटेड है, तो उस पर अगर पहले ही सरकार की तरफ से सफाई आ जाए, कल बजाय के संसद में उसको लेकर गतिरोध पैदा हो किसी तरह का जिसकी आशंका है, तो वो एक तरह से मदद करेगा कि संसद के समय का सदुपयोग हो सके। जैसा कि आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण ये सत्र है। ये सही बात है, विनोद जी ने जो कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसीलिए कल आपने देखा, आज लोकसभा स्पीकर ने सारे सब पार्टियों की मीटिंग बुलाई और उसमें भी ये बात तय हुई होंगी कि जो चीज़ें बाहर निपटाई जा सकती हैं, बाहर जिनका समाधान हो सकता है, उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि होम मिनिस्टर ने अपने बयान की दुरुस्ती की है, उन्होंने खुद कहा है कि कोई भी रंग, कोई भी धर्म टेररिस्ट का नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक तरह से अपनी बयान जो उन्होंने कहा और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कई बार शब्दों के चयन में गलती हो सकती है, इसलिए ये बात अब मान के चलनी चाहिए विपक्ष को भी, ख़ासतौर पर बीजेपी को, कि उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है। और फिर भी जैसे विनोद जी ने कहा कि अगर कोई बात सदन में आने से पहले साफ हो जाती है तो उसको मान के हमें सदन को मर्यादित तरीके से चलाना चाहिए, अगर फिर भी कोई कमियां किसी में हैं तो हम सदन में के पटल पे उन कमियों को डिस्कस कर सकते हैं वहाँ बात, लेकिन ये कहना कि या तो आप सदन नहीं चलने देंगे या ये चीज़ ऐसे हो, ये नहीं होता कभी भी। और उसके नतीजे यही होते हैं कि आपने जैसे कहा कि 55 बिल पेंडिंग पड़े हैं और कुछ ऐसे बिल हैं जैसे लैंड एक्विजिशन का बिल है, एक पूरा इतिहास है, 40-45 साल से वो बिल पेंडिंग है और किसान के लिए सबसे ज़रूरी है। इसी तरीके से अभी फूड सिक्योरिटी बिल आने वाला है जिसका स्टैंडिंग कमेटी ने जिसको हाउस के लिए रिकमेंड कर दिया है। इसी तरीके से जो राष्ट्रपति महोदय ने ऑर्डिनेंस जारी किया था गैंग रेप केस के बारे में, कानून में संशोधन के लिए, वो ये इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे सदन में विस्तार से चर्चा होगी तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हमारा सदन अपनी जिम्मेवारी समझता है और सभी मेंबर मिल के काम करना चाहते हैं। जी विनोद शर्मा जी, ब्रेक पे जाने से पहले एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। तीनों राजनीतिक मेहमानों को सुनकर आपको उम्मीद बनती है कि एक बेहतर माहौल होगा संसद में और जो महत्वपूर्ण बिल है उन पर? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जो बजट सेशन होता है जी वो सैक्रोसेंट होता है और इस बात को विपक्ष भी मानता है और हर दल मानता है जी। उनको पता है कि इस सेशन में तो काम करना पड़ेगा जी, इस सेशन पूरे सेशन में आप गतिरोध नहीं ला सकते जी, क्योंकि बजट पारित होना है और उसके चलते ही जो स्कीम्स हैं जनता के लिए वो लागू होंगी जी। सरकार को जो पैसा चाहिए वो मिलेगा खर्चे के लिए जी। तो बजट सेशन की अहमियत हर पॉलिटिकल पार्टी समझती है, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होता है, जो एडवर्सरियल पॉलिटिक्स होता है, जो विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको भी निभाया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक सर्वे आने से पहले या रेलवे बजट आएगा, इस सबसे पहले जो ये जो कंटेंशियस मुद्दे हैं जी, इन पे कोई लेन देन हो जाएगा, तो अच्छा शब्द नहीं है लेन देन, लेकिन कोई सेटलमेंट हो जाएगा। और इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि कोई भी जो बयान ऐसा है जिससे कि जिसको जो विपक्ष को उचित नहीं लगता जी, उस पर क्लैरिफिकेशन देने में मैं समझता हूं कि गृह मंत्री का रसूख बढ़ेगा जी, उससे घटेगा नहीं जी। ये कोई प्राइड का, ये कोई मतलब सेल्फ इतना कोई मतलब दम का मामला नहीं है, स्वाभिमान का मामला नहीं है। देखिए, बहुत सी बातें आदमी तैश में कह जाता है, अनायास कह जाता है,
और अगर उसको उसका एक्सप्लेनेशन जाके दे दिया जाए तो मैं ये मानता हूं कि विपक्ष के लोग भी व्यवहारिक लोग हैं, वो इस बात को समझेंगे और उसके चलते एक बहुत अच्छा माहौल तैयार होगा और जो सुचारू रूप से काम होना चाहिए हमारी पार्लियामेंट में वो होगा। और इसका दायित्व तो सब पे बराबर का है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट बजट सेशन में भी टुमल्टुअस रहती है तो फिर लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे पार्लियामेंट को। जी जी, और अगर आप चाहते हैं कि संसदीय परंपरा में लोगों का विश्वास बना रहे तो संसद को गंभीरता से काम करना होगा। इस बजट सत्र में और क्या अहम मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट सत्र में संसद के सामने क्या क्या काम है और किस तरह से ये काम सुचारू रूप से चल सके। नजमा हेपतुल्ला जी, आपके पास आना चाहेंगे। अभी जब चौधरी बीरेंद्र सिंह बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है, किसानों की बात करें या ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, दोनों ही चीज़ें इस बिल से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त बिल काफ़ी लंबे अरसे से बड़ा मुद्दा बनकर देश के सामने रहा है। क्या आपको लगता है कि इस संसद सत्र में ये दोनों महत्वपूर्ण बिल पास हो पाएंगे? क्या होगा आपकी पार्टी का स्टैंड? देखिए, सवाल मेरी पार्टी का स्टैंड जब आएगा जब वो बिल लिस्ट किए जाएंगे। मैंने तो इतनी दौर में ये देखा है कि ओवरनाइट सरकार अपना एजेंडा चेंज कर देती है और किसी भी लेजिस्लेशन को लाने से पहले एमपीस को काफ़ी वक्त देना चाहिए ताकि वो उस पर तैयारी करें। और हमारे लोग तैयारी करके आए और दूसरे दिन पेपर में देखें कि आज उन्होंने सप्लीमेंट्री लेकर आए हैं बिजनेस और लेजिस्लेशन चेंज कर दिया। ये एक अच्छी पार्लियामेंट्री परंपरा नहीं है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे डिस्कशन लेजिस्लेशन पे बराबर नहीं होता। और मैं समझती हूँ कि लेजिस्लेशन का इफ़ेक्ट दूर दूर तक जाता है, देश के हर हिस्से में, हर नागरिक पे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम बराबर तरीके पे हमारे जो एक्ट बनते हैं, जो बिल आते हैं, उनके ऊपर बराबर चर्चा होना चाहिए और काफ़ी समय देने चाहिए। मैं यहाँ शर्मा जी बैठे हैं, वीरेन जी भी बहुत पुराने हैं, बाल गोपाल जी भी जानते हैं कि धीरे धीरे संसद का सदन जो है वो सुखड़ता जा रहा है। पहले बजट सेशन लंबा हुआ करता था, बाकी सेशन भी लंबे होते थे। अब सरकार ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। मसले बढ़ते जाते हैं, लेजिस्लेशन की तादाद बढ़ती जाती है, समय आप कम करेंगे तो डिस्कशन कैसे होगा? और फिर जब डिस्कशन नहीं होता, ये लैंड एक्विजिशन का बिल तो आया ही नहीं, पिछले बजट में, पिछले सेशन में नहीं लगाया, बजट सेशन में लगाया, जबकि मालूम है कि बजट सेशन के अंदर प्रेसिडेंट का मोशन ऑफ थैंक्स पे डिस्कशन होगा, रेलवे बजट पे होगा और हमारा फाइनेंशियल बिजनेस बजट के ऊपर होगा, फाइनेंस बिल पे होगा। जब इतनी चीज़ें ऑलरेडी बजट सेशन में लगी हुई हैं तो ये बिल पहले क्यों नहीं पास करा लिया, अगर इतना इम्पोर्टेंट लग रहा था सरकार को? तो सरकार को भी अपनी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री में ये बात देखना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है लेजिस्लेशन की। मैं मानती हूँ कि ऑर्डिनेंस भी पास करना ज़रूरी है और वो वैसे भी ज़रूरी है, कोई भी ऑर्डिनेंस हो तो करते हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भयानक घटना हुई है दिल्ली में और कंटिन्यूसली हो रही है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये लेजिस्लेशन आए। लोकपाल सरकार ला रही है कि नहीं ला रही, ये भी अभी मुझे मालूम नहीं है कि सरकार की मंशा क्या है। आप 52 लेजिस्लेशन लगा देंगे और सेशन छोटा रखेंगे तो आप बताइए कि क्या रात के 2 बजे तक 3 बजे तक बैठने का इरादा है? तो कोई बैठने को तैयार नहीं होता, ना चेयर तैयार होती है और ना ही लोग। स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई, मैडम स्पीकर ने, लीडर्स की, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि एक महीना पहले ये मीटिंग बुला लेते, 15 दिन पहले बुला लेते? सेशन से एक दिन पहले स्पीकर साहब बेचारी के जादू की छड़ी घुमा के सबको समझा लेंगी। तो मुझे लगता है कि कोई सरकार की तरफ से भी पार्लियामेंट के लिए कोई सीरियसनेस मुझे तो नहीं दिखती। मुझे यहाँ 30 साल, इस हाउस में 31वां साल है और मैंने धीरे धीरे डिटोरिएशन देखा है मैनेजमेंट में। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ और मुझे मालूम है कि शर्मा जी, विनोद जी भी पार्लियामेंट को कवर करते रहे हैं बरसों से, वो भी जानते हैं कि डिटोरिएशन हुआ है,
मैनेजमेंट इज नॉट वेरी प्रॉपर जी, एंड आई एम सॉरी टू से दैट जी 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 नजमा हेपतुल्ला जी, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रही जी, जी, मगर धीरे धीरे इसके अंदर जी जी नजमा हेपतुल्ला जी, आपकी संसद को लेकर जो चिंता है वो जायज है। केन बालागोपाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। जो सवाल मैंने नजमा हेपतुल्ला जी से पूछा कि कई सारे बिल हैं जिसमें लैंड एक्विजिशन बिल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, उसके अलावा लोकपाल बिल है और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल है, और उसके अलावा जो एक ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई दिल्ली गैंगरेप के बाद, उस पर भी चर्चा होकर उसको बाकायदा कानून का रूप देना है, कानून में संशोधन करना है, तो ये सारे बिल्स हैं सरकार जिनको लेकर आना चाहती है, इन पर चर्चा की जरूरत है। आपको लगता है कि ये बिल्स पास हो पाएंगे? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? आई सपोर्ट, फुली सपोर्ट नजमा हेपतुल्ला जी का स्टेटमेंट। ये गवर्नमेंट अभी ये बिल का अंदर, लेजिस्लेशन का अंदर इतना सीरियस नहीं। एवरी सेशन इन द लास्ट वन और टू ईयर यू कैन सी half the time will be wasted because of the non commitment and non intervention by the government. So abhi is session mein I fear that, I am afraid that government may not take proper steps to bring all these bills, whatever bills which are coming. For example, lokpal a unanimous report given by the select committee. I was a member of the select committee. Yeah, select committee ka tarah se hum ek report diya, a unanimous tha. Abhi last session mein ye laya nahi, ya abhi is session mein they should bring it very seriously. And about the criminal law amendment bill 2013, that is based on because of the Delhi incident, the amendment ordinance already been issued by the president, and it will be coming as a bill. Then some other bills like land acquisition, food security, it was discussed earlier very much, and even now discussion is going on. So all these bills are coming, we will take a very proactive role. हम वेरी सीरियस है सेशन का, पार्लियामेंट का अंदर, बिजनेस का अंदर, हमारा पार्टी हम लेफ्ट बहुत सीरियस है, बिकॉज ये सीरियसली वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस इश्यूज। बट आई एम फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई कैन से दैट द गवर्नमेंट मैनेजमेंट का बारे में और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का सिस्टम का बारे में दे आर नॉट सीरियस टू ब्रिंग ऑल दिस थिंग्स। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को वो कमिटमेंट दिखाना होगा अगर वो चाहते हैं कि विपक्ष सपोर्ट करे सरकार को। चौधरी बीरेंद्र सिंह, आपके पास आएंगे, आपने नजमा हेपतुल्ला जी को भी सुना और केन बालागोपाल को भी सुना, आप 55 बिल हैं संसद के सामने और बजट सत्र में करीब करीब 13 फाइनेंशियल आइटम होंगे, कितना समय होगा? पहली बात तो यही जो सवाल नजमा जी ने उठाया है वो, और केन बालागोपाल भी कह रहे हैं कि सरकार का कमिटमेंट नजर नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, वो भी खुद मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, लगातार संसद की बैठकें कम हो रही हैं, वामपंथी पार्टियों की तरफ से एक प्रस्ताव आया था कि कम से कम साल में 100 बैठकें संसद की होनी चाहिए, इसको मैंडेटरी बनाया जाए, साल के शुरू में ये कैलेंडर घोषित किया जाए, सरकार के कमिटमेंट पर सवाल उठ रहा है। देखिए, सरकार की कमिटमेंट और लोकसभा या राज्यसभा के बजट सत्र हो या कोई दूसरा सत्र हो, उसमें जो कार्रवाई होती है, मैं दो बातें इसमें, नजमा जी ने जैसे कहा कि मैनेजमेंट की कमी, मैं ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले जो सेशन होता था, जब से स्टैंडिंग कमेटी बनी है तब से 20-22 दिन का जो बीच में इंटरवल है, उस समय स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती थी तो ये सारा समय हाउस में डिमांड्स पे चर्चा होती थी और इसके साथ साथ क्वेश्चन और भी होते थे और दूसरे भी छोटे बिल भी इसमें लगाए जाते थे और इस समय का पूरा सदुपयोग होता था। आज वो 22 दिन का जो समय है जिसमें सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी मिलेंगी अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए, एक तो वो समय की कटौती हुई है, ये तो सदन को सोचना है कि इस कटौती को कैसे, इसकी भरपाई की जाए। और जो दूसरी बात है जिसमें मैनेजमेंट की बात कही गई, मैनेजमेंट तो इस बात पे आधारित है कि आप कितना समय हाउस को चलने देते हैं। अभी पिछले जो आंकड़े आए हैं, यानी अगर डेमोक्रेसी के इतिहास में देखा जाए तो वी हैव नॉट बीन एबल टू यूटिलाइज 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। तो जो ये समय की बर्बादी है, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बात को सोचना पड़ेगा कि जिन चीज़ों के लिए हम सदन का बहिष्कार करना भी अलग बात है, ना चलने देना सदन को,
बहिष्कार होना वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन सदन को ना चलने देना मैं इसको डेमोक्रेटिक नहीं मानता। और इसीलिए सदन की अगर एक एक मिनट को हम सही तौर पे इस्तेमाल करें तो इन इन बिल्स पे जिनका जिक्र अभी गोपाल जी ने किया, जिनका जिक्र नजमा जी ने किया, इन पे बहुत गहन विचार की ज़रूरत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल हैं जो देश की सारी जनता इस चीज़ को देख रही है कि पार्लियामेंट क्या करेगी इन बिलों के बारे में। जी बिल्कुल चौधरी वीरेंद्र सिंह, समय की पाबंदी है इसलिए आपकी इसी टिप्पणी के साथ कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आपका बाला गोपाल, आपका नजमा हेपतुल्ला जी, आपका और विनोद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सभी मेहमान इस बात पर सहमत हैं कि पूरा देश संसद की तरफ देख रहा है कि संसद में किस तरह से लोगों के मुद्दों पर, उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे जिन मुद्दों से वो दो चार होते हैं उस पर संसद कितनी गंभीरता से काम कर रही है, ये तमाम देश की जनता देख रही है। हमारे मेहमान ये भी मानते हैं कि अगर सरकार ये चाहती है कि संसद में सुचारू रूप से और गंभीरता से काम हो, और अगर वो विपक्ष का सहयोग चाहते हैं तो सरकार को दो कदम चलना पड़ेगा अगर विपक्ष से वो एक कदम आगे आने की उम्मीद करती है। कुल मिलाकर इसी उम्मीद के साथ कि इस बजट सत्र में संसद के समय का सही सदुपयोग होगा, देश देशांतर को यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें, नमस्कार।